तो गाइस इस वक्त हो चुकी है हमारी छुट्टी और थोड़े बच्चे कॉलेज में ही हैं और तो बढ़िया ऐसी गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय बनाती हूँ। अम्मा भी रुकी हुई हैं, कह रही हैं चाय। तो गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय, चाय बहुत कम बनाई है। एक आई खाई नो खाली। नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज से पहननी है हमको कॉलेज के लिए साड़ी। आप सोच रहे होंगे कि आज इसने साड़ी क्यों पहनी हुई है, तो ये ड्रेस है हमारे कॉलेज की और अभी इसके बाहर से ठंड है तो जैकेट वगैरह पहनेंगे। तो आज से होने वाली है, मतलब आज से नहीं, काफ़ी पहले से हो रही है टीचिंग, तो अभी हमें ड्रेस में बुलाया गया है। तो ये बताइए कैसी लग रही है ये साड़ी। और चलो फिर, रेडी मैं हो चुकी हूँ और खाना वाना मम्मी जी ने बना दिया है। आज आपको भी लेके चलती हूँ अपने कॉलेज में। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी और पूरा ड्रेस पहन लिया है और साथ में मेरा चार्ट बैग सब रेडी है। चलो फिर निकलते हैं। हैं, दूध ले जाना है। कोको लाई है? कोको लाना भूल गई मैं। पूजा को खाने कोको संतरा लेके आई हूँ पूजा तेरे लिए। मैं ठीक है, खाएंगे फिर। और मेरे लिए संतरे लाई हूँ तुम दोनों के लिए। तो हम बारी कार से अभी ऊपर पहुँचे, एक डेढ़ घंटा हो गया घर से निकले हुए और अभी तक यहीं पहुँची हूँ मैं। ये लोग चंपावत से यहाँ पहुँच गए हैं और मैं हमें ये पता है कितनी परेशानी हुई हमें। हाँ। बस में चले, बस से भी तो आज ये लोग, हम लोग साड़ी पहन के आए हैं तो साड़ी में चला नहीं जा रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो आज हम कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा लेट पहुँच रहे हैं। पूजा और मैं और है, तो अभी देखते हैं क्लास में। क्लासेस तो सारी स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, आज बहुत ही लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा। एक दिक्कत पूजा को हो रही है ना साड़ी में, उतनी हमें नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे एक सीक्रेट है। सो गाइज, इस वक्त हो चुकी है हमारी छुट्टी और थोड़े बच्चे कॉलेज में ही हैं और मैं चल रही हूँ अकेले, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग अभी कॉलेज में ही हैं, अभी वो अपना काम जो है चेक करा रहे थे और मैं जल्दी छुट्टी मांग के आ गई हूँ। तो चलो फिर चलते हैं, मैं धीरे धीरे लगी हूँ मेरे मार्केट पहुँचने तक, शायद वो लोग भी पहुँच ही जाएंगे। चलो देखते हैं। और मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है, तो पूरी मार्केट में किसी के पास भी खट्टा मीठा सेब नहीं है। यहाँ वहाँ सब जगह पूछ लिया तो अब मैं लेती ही नहीं हूँ। चलो, तो घर के लिए सब्जी वगैरह लेके मैं निकल गई हूँ घर को और अपनी वाली गली वाले रास्ते से। चलिए, तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ घर में और अभी घर पहुँचते ही मम्मी जी का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि गाय को घास डाल के आना। तो मैं चलती हूँ और डब्बा भी साथ में पहुँचा के ही आती हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ अपने छाने के पास और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो ये अमरूद का पेड़ लेके आए थे, बहुत ही अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। पहला वाला तो ये है, इस पर देखो नई कलियाँ खिलने लग गई हैं। ये देखो कितना बढ़िया हो गया है ना। अब मैं हमेशा अमरूद खाऊंगी, मैं ही नहीं सब खाएंगे। और दूसरा पेड़ ऊपर वाले खेत में है। अब मैं ऊपर खेत में जाऊंगी नहीं, लेकिन उस पर काम चल रहा था तो पत्तियाँ सारी झड़ चुकी हैं और टहनी टहनी है, उसमें नई कलियाँ भी आ रही हैं। और एक नींबू का पेड़ लगाया था मम्मी ने। तो मैं तोड़ रही हूँ रात की सब्जी के लिए धनिया और मेरा है आज पकौड़ी खाने का मन। मम्मी जी तो घर पे है नहीं और अभी बनाती हूँ पकौड़ी यहाँ से जाके। तो बढ़िया ऐसी गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय बनाती हूँ। अम्मा भी रुकी हुई हैं, कह रही हैं चाय बनाएगी तो मुझे भी देना। तो आज बनाते हैं हम हरी सब्जी की पकौड़ी और प्याज और आलू की भी पकौड़ी, बहुत मज़े आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी जी के लिए बना देती हूँ क्योंकि वो प्याज नहीं खाती हैं इसलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग। मैदा बेसन कम हो गया लग रहा,
ये देखो आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट। ये हैं राम करेले, यानी कि मीठे करेले। इनके पकौड़ी बनाती इनकी पकौड़ी बनाती हूँ मैं। देखते हैं कैसी होती है, मैंने भी आज तक खाई नहीं है। देखते हैं इनको बना के कि इनका टेस्ट कैसा है। बाकी तो नॉर्मली मैंने बनाई है, ये इतनी बन चुकी है, थोड़ी सी और बनानी बाकी है। ज़्यादा बनानी किसके लिए है ना। तो ये देखिए मैंने इसमें दो करेले काट लिए हैं। ये कड़वे नहीं होते हैं, बस नाम के करेले हैं, मीठे करेले होते हैं और ये पहाड़ में ही पाए जाते हैं। तो मेरे सामने पे ये सब्जी के लिए रखे हुए थे, तो मुझे सूझा कि मैं इनकी पकौड़ी बनाऊं, तो मैंने ये बेसन में मिक्स कर लिया है। देखते कैसी होती है इसकी पकौड़ी, दिखने में तो अच्छी लग रही है प्याज की तरह। खाने में पता नहीं कैसी होगी। तो फाइनली सारी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी सी। और गर्मा गर्म पकौड़ियों के साथ हम पियेंगे चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय भी उबलने लग पड़ी है। तो गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय। चाय बहुत कम बनाई है क्योंकि आमा भी ज़्यादा नहीं पीती, मैं भी ज़्यादा नहीं पीती हूँ। चलो आमा के पास चलते हैं। एक आई खाई नो खाली खाई नहीं ना खाई नहीं मैं खाई नहीं मैं खाई। ओहो तो पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी हो रही है, बिल्कुल क्रंची। आमा बोलने में ही रहती है, अगर आमा के पास बैठ जाओ। तो गुड मॉर्निंग, हमारा ब्लॉग अभी समाप्त तो हुआ नहीं है, कल से मैं कंटिन्यू की हुई हूँ। और सुबह सुबह मेरी बारी आ जाती है पानी भरने की, और अभी मेरा लगा हुआ पानी ये देखिए, और मैं भर रही हूँ पानी। और उसके बाद ये पाइप ना बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत ही तेज पानी आता है और पूरा पानी पाइप ऐसे टेढ़ा हो जाता है। तो पानी भरने के साथ साथ सबसे पहला काम होता है सासू माँ के लिए पानी गर्म करने के लिए रखना, क्योंकि वो आएंगी छाने से, अभी वो घास लेने गई हुई है और आते ही वो नहाती हैं, तो इसलिए उनको गर्म पानी की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ मैं भी अपने लिए गर्म पानी रख लेती हूँ नहाने के लिए, और साथ में मेरा पीने वाला पानी भी भर लिया है मैंने। आज तो मैंने यहाँ पे ड्रम रख लिया है ये देखिए, और साथ में अपनी बोतल भी। बोतल का ढक्कन तो टूट गया है, परसों गिर गई थी बोतल और ढक्कन बिल्कुल टूट गया है, तो यहाँ पे ड्रम रख लिया है, इसमें भर लूँगी मैं आज से पानी। फ़ोन जो है और गोप्रो जो है चार्जिंग पे लगा देती हूँ, उसके बाद हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आमा के लिए यहाँ पे बना लेते हैं हम चाय, और तब तक मम्मी भी आ जाएंगे और मैं नहा लेती हूँ, फिर इसके बाद मम्मी के लिए पानी लगा देती हूँ। तो तब तक का मेरा ड्रम भर रहा है, फिर उसके बाद मैं लगा दूँगी टंकी में पानी। आमा के लिए गर्मा गर्म चाय। तो हमारा खाना भी अब बन ही चुका है, 9 बज गए। आज मम्मी जी ने लगाया 8:30 देना है दूध। मम्मी आज लगाने वाली है घास काटने वाली मशीन, आज तो हमारा घास कट जाएगा। देखते हैं आते हैं, मशीन वाला भी रोज उल्लू बना के चले जा रहे हैं मशीन वाले। दाल भी बन गई है और दाल फ्राई कर रहे हैं। अब बहुत ठंडा भी हो गया है, हम तो बैठ जाते हैं भाई बाहर धूप में, लकड़ी गए हैं जाड़े से। सो गाइस अभी हैं शाम के 5:30 और बाहर लगा हुआ है चंद्र ग्रहण। यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट चंद्र ग्रहण है और मैं अंदर बैठी हुई हूँ। मम्मी तो अभी आई नहीं है, वो गई हुई हैं घास काटने के लिए, और शायद अब आती ही होंगी दूध दूध निकाल के, है ना। तो व्लॉग कैसा लगा, कल का व्लॉग और आज का व्लॉग मैंने दोनों मिक्स करके बना दिए हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।